नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ। गुजरात के आणंद डिस्ट्रिक्ट में कई किसान मित्रों के फ़ोन कॉल आए हुए हैं कि गुजरात में CKG9 प्लांटेशन कहाँ पर हुआ है, उसका छोटा सा वीडियो चाहिए था। कैसा जर्मिनेशन कर रहा है, क्या ग्रीनरी है, पत्तों में गैपिंग क्या है। तो ये CKG9 पौधा लगा हुआ है अगस्त में। आइए किसान मित्र से भी मिलते हैं और पौधे का स्ट्रक्चर भी मैं दिखाता हूँ कि नीचे से कितना हेवी स्टम्प इसका बना हुआ है। ये 20 अगस्त के लगभग ये पौधा लगा हुआ है। आइए दिखाता हूँ। लगभग मेड़ पर भी अच्छा पौधा है। दूसरा फ्लड इरिगेशन पे लगा हुआ है। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन उतना नहीं करते हैं किसान, सीधा फ्लड से ही पानी देना पसंद करते हैं। ये मिट्टी के टीले बनाकर रखे हुए हैं। इन किसानों को अगले साल से ड्रिप पर मैं लेकर आऊंगा। क्यों किरण भाई? यहाँ पे ड्रिप पर आ जाएंगे किसान तो काफी अच्छा रिजल्ट इनको मिलेगा। राम राम भैया। राम राम। CKG9 के लिए गुजरात में कहाँ पर लगा हुआ है ये काफी फोन कॉल आ रहे थे और कई किसान पूछ रहे थे। तो ये यहाँ पर हम लोग कहाँ पर है किरण भाई? एक्चुअल किसान गए हैं शादी में, मेरे पास किरण भाई है। थोड़ा यहाँ का परिचय बताइए कि कहाँ पे ये लगा हुआ है। पामोल गांव है। हाँ, बोरसद तालुका है और आनंद डिस्ट्रिक्ट में है। नहर के बाजू में ही लगा हुआ प्लाट है। भाविन भाई पटेल का नाम, खेत का नाम पार्टी। अभी जैसे किरण भाई आप भी कई साल से केले की खेती अभी कर रहे हो, समझ रहे हो, तो ये जो पौधा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है तो अभी बढ़िया है। अभी जो आए हो आप, अपना आपका नाम इस एरिया में एक अलग पहचान है किरण भाई का। तो आप जो इस पौधे के स्ट्रक्चर को देख रहे हो नीचे से, तो आपको क्या लग रहा है? बढ़िया है, बराबर। जैसे अगस्त में प्लांटेशन 20 तारीख को हुआ है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब 4-4.5 महीने का जो प्लांट है, तो उसके हिसाब से बहुत बड़े रिजल्ट है। रिजल्ट काफी अच्छा है। और पौधों में जो मैच्योरिटी है नीचे से ऊपर तक जो मैं दिखाऊं तो ब्लैकिस्ट काफी है, पत्तों में ग्रीनरी काफी अच्छी है और नीचे तक के पत्ते ग्रीन है। ये थोड़ा सा आप जो पानी ये फ्लड से देते हो ना कचर कचर, इसकी वजह से पत्तों में ये नमी के कारण, देखिए ये बर्निंग जैसा ये स्लॉट आ रहा है ऊपर से। ये करपा सिगाटोका के ये जो लक्षण है ना, ये काफी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप पानी का मैनेजमेंट अगर बराबर करते हो तो ये समस्याएं नहीं जाएगी। दूसरे गणेश भाई, ये जो मिट्टी चढ़ा के रखते हैं, वो भी गलत है। एक्चुअल इसमें होगा क्या भैया, मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा पकड़िए। यहाँ पे प्रैक्टिस जो है ना, जैसे यहाँ पर ये बांदिया बना के रखे है, आप अगर देखोगे ना, ये पानी भरने के लिए ये बांदी बना के रखी हुई है। जैसे 10 पौधों को एक जगह पे लिया गया है और लेने के बाद में पानी इसमें छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से अगली बांदी में पानी जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर धुले नहीं, इसके लिए इन्होंने ये मिट्टी लगा के रखी हुई है। इसका रिजल्ट भी इनको अच्छा आएगा, लेकिन इन किसानों ने ड्रिप के ऊपर अगर काम किया और ड्रिप में अगर आ गए तो फिर इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि मिट्टी ना काफी अच्छी और स्ट्रक्चर काफी हेवी है। मिट्टी मक्खन जैसी है, यहाँ पर पानी देने के बाद मक्खन हो जाती है और पानी बंद करने के बाद में पत्थर बन जाती है। तो ये भी किसानों को समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे पानी दिया हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। अभी ये रटून कटिंग होना चाहिए, बराबर एक दो स्प्रे हो जाना चाहिए, ताकि ये जो यहाँ पे ये जो समस्या आ रही है, ये समस्या से ये बचे, बराबर। तो काफी अच्छा बेस्ट प्लॉट है CKG9, जो इस साल एक कम पौधों से शुरुआत की है गुजरात में, क्योंकि देने के लिए उस समय पौधा बैलेंस नहीं था, बुकिंग कम्प्लीटली हो गई थी। जिस भी किसान मित्रों को CKG9 का पौधा प्लांटेशन बुकिंग करना हो तो RK सिंह जी से नंबर ले सकते हो आप, या तो डीलरशिप चाहिए तो भी आप नंबर ले सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे या फिर जो यूट्यूब पर आप किसान कार्यशाला जो देखते हो उसमें नंबर दिए हुए हैं, तो RK सिंह जी से आप बात कर पौधा मंगा सकते हो। बुकिंग अभी कंटिन्यूसली कब की चालू है, क्या है, या RK सर ही आपको बताएंगे। बाकी पौधा दिखाने का जो था वो ये CKG9 यहाँ पे लगा हुआ है, कोई भी किसान आकर देख सकता है, समझ सकता है। ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।